भिवंडी शहर के मशहूर और एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब के पत्रकार ताहिर शेख पर उन्हीं की बिल्डिंग में रहने वाले चार भाइयों ने मिलकर रात करीब 12 बजे हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकार ताहिर शेख गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उन्हें भिवंडी के IGM हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताकर उन्हें कलवा हॉस्पिटल रेफर किया गया। झगड़े में बीच बचाव करने गई ताहिर शेख की मां के हाथों पर भी चोटें आई हैं, वो भी जख्मी हो गई। पत्रकार ताहिर शेख की मां ने बताया कि विवाद पहले भी हो चुका है, पूरा मामला बिल्डिंग की पार्किंग को लेकर हुआ, जहां कुछ लोग अपनी गाड़ी को इस तरह पार्क करते थे कि बिल्डिंग में रहने वालों के लिए आने जाने की जगह नहीं होती थी। बस इसी बात का विरोध करने पर ताहिर शेख पर चार भाइयों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि पत्रकारिता करते हुए ताहिर शेख किसी की नज़रों में खटक गया हो या किसी ने अपनी जाति दुश्मनी निकाली हो। यह पूरा मामला एक जांच का विषय है और शांतिनगर पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा पत्रकार ताहिर शेख की माँ ने। आज जो आपका बेटा है ताहिर, उसके ऊपर हमला हुआ है, कुछ लोगों ने किया है, तो कैसे हुआ? तो भी नहीं मालूम बेटा, वो काय के लिए हमला कर रहे हैं। उन लोग को पार्किंग की बात थी, लेकिन वो अचानक उन लोग ने इसका भाई ने फोन करके बुलाया अपने भाइयों को और बोला कि सामान निकाल। तब मैं लोगों को पकड़ने गई तो मेरे को भी ढकेल उकेल के मेरे भी ऊपर भी वार किया और उसपे भी मारे उसको। कौन बोला था इसका नाम? क्या नाम है, नाम मालूम है आपको? एक का सलीम है, एक अशफाक है और एक बबलू है। वही चौथे माले पे रहते हैं लोग, हम लोग पहले माले पे रहते हैं और गाड़ी एकदम दादर के बाजू में टेढ़ी रखी थी। बस यही बोले कि गाड़ी तुम यहाँ से हटा लो, ये पूरा वाक्य पार्किंग की कर लो। पार्किंग की वजह से हुआ था सारा मामला? पार्किंग की वजह से नहीं, रास्ता नहीं था वही पार्किंग में आने जाने के लिए, तो जैसे गाड़ी गिर जाएगी तो किसी के भी हम लोग के भी लग सकती है। इसके लिए वो हटाने के लिए उसको मतलब सीधी करने बोले और साइड में करने बोले। तो वो लोग ने क्या बोला? कौन क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया। ये मामला कितने दिन से चल रहा था? इसके पहले भी कुछ ऐसा मामला, कल भी वही पार्किंग की वजह से हुआ था। वहाँ सामने मट्टी थी इसलिए हम लोग ने सबको हटा दिए, तो सब खत्म हो चुका था। लेकिन आज उन लोगों ने क्या गाड़ी में सामान रखे थे ये नहीं पता। और वो चारों भाई, एक भाई ने फोन करके तीनों भाइयों को बुलाया। अच्छा, आपको भी मार लगा है? कैसे लग गया आपको मार? आपको क्या पता, अब मैं पकड़ने जा रही थी, छुड़ाने जा रही थी। अब वो लोग सामान रख के क्या सामान निकालने गए, बस उस पे से मैं पकड़ने लगी, बेटा तुम काय का सामान निकाल रहे हो मारने के लिए? तो मेरे को लात मारा, वो हाथ से भी मेरे को पूरा रिक्शे में से धक्की देके नीचे की गाय। उनके पास आपने कोई हथियार वगैरह देखा? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन वो नीचे अंदर चढ़ा था, मैंने उसको खींच के निकाली गाड़ी में से और टायर को सर पे मारे। चार भाई थे वो लोग।